सरगुजा जिले में स्थित कारबेर स्कूल में हिंदू संगठनों ने हंगामा कर दिया है। बताया जा रहा है कि गांधी जयंती की छुट्टी के दिन भी छात्र छात्राओं को स्कूल बुलाकर ईसाई धर्म का पाठ पढ़ाने की जानकारी लोगों को मिली थी। धार्मिक पाठ पढ़ाए जाने की बात फैलते ही हिंदू संगठनों के लोग स्कूल पहुँचे। हिंदू संगठनों से जुड़े हुए लोगों ने स्कूल के सामने जमकर हंगामा कर दिया। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी और पुलिस की टीम स्कूल पहुंची। स्कूल की मनमानी के खिलाफ हिंदू संगठनों ने भारी आक्रोश दिखाया। स्कूल पहुंचे बच्चों को प्रशासन ने घर वापस भिजवाया। जिला शिक्षा अधिकारी अशोक सिन्हा ने जांच के बाद कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शिक्षा विभाग की टीम आई हुई है और जिला प्रशासन की टीम आई हुई है, पुलिस विभाग की टीम आई हुई है और कलेक्टर साहब का सख्त निर्देश है कि तत्काल स्कूल को बंद कराया जाए। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं। आज 2 अक्टूबर है, महात्मा गांधी जी का जयंती है और हम सबको जो है स्वच्छता पे कार्यक्रम करना है, शपथ लेना है, ये सभी जगह हो रहे हैं। तो आज इन्होंने जो ये किया हुआ है, स्कूल को खोला हुआ है और बच्चों को बुलाया, ये बिल्कुल गलत, और इन्होंने अपना स्वीकार भी किया गलती कि हमसे गलती हो गई है और अभी तत्काल जो है बच्चों को भी यहाँ से भिजवा रहे हैं। और कुछ लोगों के पेरेंट्स आए हुए थे, उनको छोड़ दिए हैं और कुछ पेरेंट्स बुला रहे हैं, तत्काल छोड़ेंगे अगर ऐसा नहीं करते। नहीं, जानकारी जैसे मिली है शिक्षा विभाग को, जिला प्रशासन को और पुलिस विभाग को, तत्काल इस पर कार्रवाई हुई और स्थल पर सभी आए हुए हैं और नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं। और अगर ये बात अगर इनके संज्ञान में दे दिया गया है कि कलेक्टर साहब का ये मैसेज है और आप बंद करिए, तुरंत तत्काल बच्चों को भेजिए, और ऐसा नहीं करते हैं तो नियमानुसार कार्रवाई होगी उस पर फिर।